वेलकम टू माई न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो होने वाला है आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप कैसे इंटर करें। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि हाल ही में मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये मेरी पहली कंपनी नहीं है एक्सेंचर, मैंने स्विच किया है। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं एक्सेंचर से एक वेलकम किट आया था, उसे अनबॉक्स कर रहा था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे और मेरे इंस्टाग्राम में डीएम से मुझे बहुत सारे जो आईटी में अभी घुसना चाह रहे हैं, जो घुसने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों का डीएम्स आने लगा और बहुत सारे क्वेरीज आने लगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। तो मैं एक एक को आंसर नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि आपको आईटी में रिक्रूट कैसे होना है, क्या राउंड्स होते हैं। मैं अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ टिप्स दे दूंगा जो मैंने आज तक सीखा है और समझा है आईटी इंडस्ट्री के बारे में, और वो टिप्स आपको हेल्प करें आईटी इंडस्ट्री में घुसने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं मेजरली यहाँ पे दो कैटेगरी में रिक्रूटमेंट को डिवाइड करूंगा, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड का। और यहाँ पे मैं हर एक कैटेगरी में जॉब कैसे ढूंढना है, उसके राउंड्स क्या होंगे और आपको कुछ टिप्स दे दूंगा। वेलकम टू माई न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और एक आईटी इंडस्ट्री में कैसे घुस सकते हैं, घुसने के क्या क्या तरीके हैं, घुसने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है और इसमें कितना समय लग सकता है। और साथ ही में मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स अपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूंगा। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये वीडियो मेरा बनाने का ये पर्पस है कि हाल ही में मैंने एक्सेंचर से आए हुए एक वेलकम किट का अनबॉक्सिंग किया था। तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कि मेरा रिक्रूटमेंट अभी इस स्टेप में है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा रिक्रूटमेंट अभी इस स्टेप में इतने दिन से अटका हुआ है तो मैं अब क्या करूँ। तो ऐसे करके मुझे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड के बहुत सारे मिक्स क्वेरीज आ रहे थे। तो एक एक को रिस्पॉन्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इस वीडियो को मेनली दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर देना चाहूंगा, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड। इन दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट टाइम दोनों काफी डिफरेंट होता है और दोनों में काफी अंतर होता है। हर एक कैटेगरी में मैं जॉब कैसे खोजे, राउंड्स क्या होते हैं और यूजफुल टिप्स दूंगा। तो चलिए सबसे पहले फ्रेशर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं फ्रेशर्स होते कौन है। आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है या आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होने वाला है, आप फोर्थ ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक फ्रेशर हुए। आपको प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, आप सिर्फ इंटर्नशिप किए हो या शायद इंटर्नशिप नहीं भी किए हो, तो आप एक फ्रेशर हुए। अब मैं आपको बताता हूँ आप जॉब एज ए फ्रेशर कहाँ कहाँ खोज सकते हो। तो आप नौकरी में भी प्रोफाइल बना सकते हो, नौकरी जैसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। बाकी आप फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं लाइक MRA जॉब सीकर्स, BJS, ये सब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे टाइम में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी थे, CNN कहके, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जो मैंने ज्वाइन किया था। लोकेशन बेस्ड होता है, मे बी बैंगलोर का, हैदराबाद का, पुणे का, आप जहाँ पे रह के जॉब सर्च कर रहे हो वहाँ इन सब ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपके फ्रेंड्स का नेटवर्क। आप जहाँ रह रहे हो, जिस PG में रह के आप जॉब सर्च कर रहे हो या जिस कोचिंग में आप जा रहे हो जावा पढ़ने या जावा से रिलेटेड मे बी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने, तो वहाँ पे आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। मे बी वो आपके सर हो या आपके फ्रेंड्स हो, तो वो आपको जॉब खोजने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि राउंड्स क्या क्या होते हैं। सपोज़ कि आपको इनवाइट किया गया एक कंपनी के रिक्रूटमेंट ड्राइव में, यहाँ पे आप पहुँचोगे तो क्या क्या राउंड्स होंगे ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड राउंड। इस राउंड में आपको लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स और टेक्निकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है और किसी किसी में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग हो सकते हैं, एप्टीट्यूड हो सकते हैं और टेक्निकल असेसमेंट में भी अदर राउंड हो सकता है। बहुत में मिक्स रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, किसी में ये दोनों राउंड एक साथ होते थे, किसी में ये राउंड अलग अलग होते थे। तो ये टोटली डिपेंड करता है। मेनली ये राउंड 45 से 60 मिनट का होता है और इसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं।
अगर आप ये राउंड में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप सेकेंड राउंड में मूव कर जाते हो। सेकेंड राउंड होता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में कभी कभी आपको स्क्रैच से कोड लिखने दे दिया जाता है, कभी कभी आपको कोड स्निपेट्स दिए जाते हैं और बीच में लॉजिक लिखना रहता है। अगर आप लॉजिक लिख देते हैं और आपका टेस्ट केसेस पास हो जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। ये हुआ कोडिंग राउंड। अगर आप कोडिंग राउंड क्लियर कर लेते हो तो आप पर्सनल इंटरव्यू स्लैश टेक्निकल राउंड में पहुंच जाते हो। इस राउंड में मेनली आपको टेक्निकली जज किया जाता है, बट इस राउंड में आपका कम्युनिकेशन लाइक इंट्रो देना हुआ, आप कैसे बात कर रहे हो, आपको बहुत सारे केसेस में पजल्स भी पूछे जाएंगे, बहुत सारे केसेस में रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, बहुत सारे केसेस में आपको रिक्वायरमेंट देके बोला जाएगा कोड लिखो। जैसे मुझे मेरे पर्सनल इंटरव्यू में कोड लिखने कहा गया था एरे से रिलेटेड, तो इस तरह का पर्सनल इंटरव्यू होता है। बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में कोड लिखने नहीं भी दिए जा सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी रहते हैं आपके हॉबीज से रिलेटेड। आपको ओवरऑल जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं वो ओवरऑल देखना चाहते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टीम, उस प्रोजेक्ट के लिए आप सुटेबल हो कि नहीं, ये सब चीज़ के थ्रू जज करके। उसके बाद ये राउंड आप क्लियर कर लेते हो तो आप मूव कर जाते हो एचआर राउंड में। तो एचआर राउंड में दोस्तों मूव करने के बाद लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही गया, और मैं भी मानता हूँ कि 80% ये करेक्ट रहता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपका रिजेक्शन होता है। तो मैं बता दूँ एचआर राउंड्स में होता क्या है। एचआर राउंड्स में मेनली एचआर आपसे डिस्कस करते हैं कि आपका बेस लोकेशन क्या होने वाला है, आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होने वाली है, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट कब की हो सकती है, और वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कैरियर गोल्स क्या है, आप अपने आप को 5 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ देखते हैं। तो एचआर आपको एथिकली जज करना चाहेगा और आपका कम्युनिकेशन चेक करना चाहेगा। तो एचआर के सामने हमेशा ऑनेस्टली आंसर दे। और एचआर राउंड अगर आपका कंप्लीट हो जाता है और सक्सेसफुली अच्छा जाता है, अगर आप अच्छा एचआर राउंड और सारे राउंड्स देते हो तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि मैं इस प्रोसेस में अभी इस स्टेज में, कोई बोल रहा है एचआर राउंड में, कोई बोल रहा है मेरा असेसमेंट हुआ है अभी, अभी मुझे पर्सनल इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई बोल रहा है पर्सनल इंटरव्यू हो गया, मुझे एचआर कॉल नहीं आया। तो काफी लोग डिफरेंट स्टेजेस में फंसे रहते हैं। फ्रेशर के मामले में ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि फ्रेशर के पास ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सीनियर पर्सन का नंबर नहीं होता है, कोई कॉन्टेक्ट पर्सन नहीं होता है। एचआर मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करती है, अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करते हैं एचआरस। तो क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है फ्रेशर्स में और उन्हें पता भी नहीं रहता है, वो फर्स्ट टाइम ये सब फेस कर रहे होते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको 1 महीना से 1 साल भी समय लग सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है। किसी किसी का 1 वीक में भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। आपको मैं बता दूं कि मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया कि किसी भी एक एमएनसी में, मैं नाम नहीं लूंगा, उस एमएनसी में वो इंटरव्यू दे रहे हैं, 7 से 8 महीना हो गया है, डिले मेल आ रहा है बट रिजेक्शन या सिलेक्शन का मेल नहीं आ रहा उन्हें, और फाइनली उन्हें रिजेक्शन का मेल आ गया, किन्हीं को सिलेक्शन का मेल आ गया। तो 1-1 साल बाद भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेशर्स को यही सजेशन और टिप देना चाहूंगा कि आप कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे नहीं बैठे। हमेशा अगर आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू देना ना छोड़े, इंटरव्यू देते रहें और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करें, 2-3 कंपनीज में आप सेलेक्ट हों, और उसके बाद टेक्नोलॉजी अगर पता चल रहा है क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह के स्टैक में आप काम करने वाले हो, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं लोकेशन से, और आप डिसाइड करें, कंपनी को डिसाइड नहीं करने दें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चंस मेरे को कर रहे थे और मुझे बहुत लोगों ने बताया कि 1 साल लग जा रहा है, 1 वीक लग जा रहा है। देखिए, पहले जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ये पूरा प्रोसेस जो होता था ना, ये 1 दिन में हो जाता था, असेसमेंट से लेके एचआर राउंड तक 1 ही दिन में हो जाता था, और 1 वीक 3-4 दिन में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता था। बट जब से ये कोरोना हुआ है और ये वर्चुअल हुआ है और सारे एमएनसी जब अपना रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है ये पूरा ऑनलाइन कर दिया, तो इसमें कितना समय लगता है कंपनी में ये आप कह नहीं सकते। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको 1 वीक के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और आपका लक अच्छा नहीं हुआ तो आपको साल भर भी वेट करना होगा और लास्ट में आपको रिजेक्शन मेल आ सकता है। तो फ्रेशर्स के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन था। अब चलिए हम मूव करते हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक्सपीरियंस्ड लोग होते कौन है। तो
तो अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में 0 to 6 month का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस पर्सन में काउंट होते हो, और आप अगर 2-3 महीना काम किए तो आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस लोग जनरली कंपनी स्विच करते हैं, ना कि एज अ फ्रेशर फिर एक कंपनी में काम करने के बाद दूसरी कंपनी में वो ज्वाइन करते हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है टोटली डिफरेंट रहता है, इनका जो अप्रोच रहता है टोटली डिफरेंट रहता है। अब मैं बता दूं एक्सपीरियंस लोग जॉब कहाँ खोजेंगे, तो मैं पर्सनली बता दूं मैं पूरा नौकरी पे निर्भर था, Naukri.com और साथ ही में BGS और MRA जॉब सीकर्स जो फेसबुक में पेज है, आपको नौकरी और फेसबुक में जो ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू आपको पूरा जॉब के बारे में पता चलता रहेगा। और आपको अगर नौकरी में आपने अपना रिज्यूमे अपडेट कर दिया है, नोटिस पीरियड अपडेट कर दिया है, 100% प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको HR खुद कॉल करेगी बेस्ड ऑन योर नोटिस पीरियड, आप कितने जल्दी अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए और कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको HR खुद कॉल करेगी और खुद इंटरव्यू शेड्यूल करेगी। तो ये था एक्सपीरियंस लोग कैसे जॉब खोजे। अब चलिए राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में आ जाते हैं हम लोग। सपोज आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात हो चुका है, इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, तो फर्दर आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, तो सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, और बहुत सारे कंपनी में आपको सबसे पहले कोडिंग असेसमेंट का लिंक भेज दिया जाएगा। अगर आप वो कोडिंग असेसमेंट क्लियर करते हो तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू में इन्वाइट किया जाएगा। अब यहाँ दो तरीका से होता है दोस्तों, बहुत सारे कंपनी क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू में आपको इन्वाइट करके वहाँ पे स्क्रीन शेयर करवा के कोडिंग करवाएंगे। अब बहुत सारे जो अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं या बड़ी एमएनसीज होती है, वो पहले ही आपको कोडिंग असेसमेंट का लिंक भेज देंगे। आप उस असेसमेंट में पास करोगे तभी आपका पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल होगा। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, वो पर्सनल इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू तो होता ही है, साथ में आपसे स्क्रीन शेयर करवा के आपसे कोड भी करवाया जाएगा। और अगर वो राउंड पास कर जाते हो आप, तब आप मैनेजेरियल, टेक्नो मैनेजेरियल ऐसे करके राउंड्स होते हैं, तो मेनली आपको उस राउंड में आपके मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनसे डिस्कस करने मिलेगा, टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है उस प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, मैं फिट बैठ रहा हूँ कि नहीं बैठ रहा हूँ, टेक्नो मैनेजेरियल राउंड होता है ये। फिर टेक्नो मैनेजेरियल राउंड में पास कर जाने के बाद आप सीधे HR राउंड में मूव कर जाते हो। अब HR राउंड में आपसे सैलरी निगोशिएशन होता है, एक्सपीरियंस पर्सन का जनरली HR राउंड बस सैलरी निगोशिएशन ही होता है, बेस्ट लोकेशन सिलेक्शन होता है। ये सब होने के बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहला राउंड जो मैंने कहा था कि कोडिंग राउंड होता है या पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है, और बहुत सारे कंपनी टेक्निकल असेसमेंट भी लेते हैं। जैसे कि मैं एक्सेंचर में हूँ तो मेरा सबसे पहले टेक्निकल असेसमेंट लिया गया, उसके बाद मेरा पर्सनल/टेक्निकल इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद मेरा HR राउंड हुआ, और फिर फाइनली मुझे ऑफर लेटर भेज दिया गया। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, बट जो पैटर्न है ये यही पैटर्न है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव ज़रूर होगा बट मोस्टली सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और आप अगर ये पैटर्न समझ जाओगे तो आपके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुसना काफ़ी हल्का हो जाएगा दोस्तों। तो हर चीज़ का एक पैटर्न है, आपको ये पैटर्न समझना होगा, और एक बार आप ये पैटर्न समझ जाते हैं तो आपका आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकते हो। अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें टाइम कितना लग सकता है। तो एक्सपीरियंस पर्सन का जो होता है मैक्सिमम 1 month आपको टाइम लगता है। अगर 1 month से ज़्यादा कोई कंपनी ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग डेट रिलीज करने में टाइम लगा रहा है तो आप उसके भरोसे नहीं बैठे, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। जनरली आपको इंटरव्यू होने के 1 week, आपका HR राउंड हो गया तो 1 week से 2 week तक के अंदर ही ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। बट अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप उस कंपनी के भरोसे नहीं बैठे, वो कंपनी अच्छी कैंडिडेट ढूंढ रही है और आपको बफर में रख दिया है। अगर उनको लास्ट में नहीं मिलता अच्छा कैंडिडेट तो वो आपको ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते रहें, और जिसमें आपको सबसे पहले ऑफर लेटर आ गया और ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप अपने प्रेजेंट कंपनी में रिजाइन दे सकते हो और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च फर्दर कर सकते हो। तो मेरा यही टिप्स था एक्सपीरियंस लोगों के लिए। ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊँ उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।